IPL 2023 के 24वें महामुकाबले से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लगा तगड़ा झटका। महेंद्र सिंह धोनी हुए बाहर तो उनकी जगह पर करेंगे जडेजा कप्तानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। IPL 2023 का 24वां महामुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाना है, जहाँ पर इस मुकाबले को लेकर दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या रणनीति दोनों टीमों की रहेगी। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर रविंद्र जडेजा की कप्तानी में टीम किन दमदार खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने वाली है, इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो IPL से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए प्ले ऑफ में अपनी जगह बनाए, तो दोस्तों हम बात करें यहाँ पर दोनों ही टीमों के हालिया परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम भी शानदार फॉर्म में है, जहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 मुकाबले जीते हैं। तो वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की हम बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब तक कुछ खास करती हुई नहीं दिखी है, लेकिन यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का परफॉर्मेंस भी दमदार देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर मुकाबला शुरू होने से पहले ही महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले से बाहर हो चुके हैं, जहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से अब कप्तानी हमें करते हुए दिखेंगे सर रविंद्र जडेजा। तो ऐसे में इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी हमें खेलते हुए नहीं दिखने वाले हैं। तो वहीं पर इसके अलावा हम बात करें दोनों ही टीमों के बारे में, तो दोनों ही टीमों में दमदार खिलाड़ी मौजूद है, जहां पर एक तरफ ओपनिंग जोड़ी में विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस है, तो दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवे जैसे खतरनाक ओपनर टीमों के पास मौजूद है। तो दोस्तों, ऐसे में हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे यहाँ पर विराट कोहली के साथ फाफ डुप्लेसिस, जहाँ पर दिल्ली के खिलाफ भी शानदार परफॉर्मेंस दोनों खिलाड़ियों का देखने को मिला था। तो वहीं पर नंबर 3 पर खेलते हुए दिखेंगे ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 4 पर दिनेश कार्तिक को मौका मिलेगा, तो नंबर 5 पर महिपाल लोमलोर हमें खेलते हुए दिखेंगे, नंबर 6 पर शाहबाज अहमद उतरेंगे, नंबर 7 पर कर्ण शर्मा, नंबर 8 पर डेविड विली उतरेंगे, तो नंबर 9 पर हमें खेलते हुए दिखेंगे वैन पार्नेल। तो इसके साथ ही नंबर 10 पर हर्षल पटेल को मौका मिलेगा, तो नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज टीम का हिस्सा रहेंगे। यानी कि यहाँ पर देखें तो काफ़ी दमदार खिलाड़ियों को यहाँ पर फाफ डुप्लेसिस ने अपनी टीम में जोड़ा है। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेविन कॉनवे, तो वहीं पर नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे उतरेंगे, नंबर 4 पर शिवम दुबे, तो नंबर 5 पर मोइन अली को मौका मिलेगा, नंबर 6 पर अंबाती रायडू उतरेंगे, तो नंबर 7 पर टीम के कप्तान सर रविंद्र जडेजा हमें खेलते हुए दिखेंगे, नंबर 8 पर तुषार देश पांड्या को मौका मिलेगा, तो नंबर 9 पर मेइस तिक्षाणा, वही नंबर 10 पर आकाश सिंह, तो नंबर 11 पर सिसांडा मांगला हमें खेलते हुए दिखेंगे। यानी कि यहाँ पर देखें तो दोनों ही टीमें काफ़ी शानदार फॉर्म में है और दमदार खिलाड़ियों के साथ मैदान पर भी उतरने वाली है। इसी के साथ ही हम बात करें मुकाबले के शुरू होने के समय के बारे में, तो यह मुकाबला शुरू होगा 17 अप्रैल को भारतीय समयानुसार शाम के 7:30 पर, जिसे आप लाइव देख पाएंगे बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों, क्या लगता है कौन सी टीम इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करेगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।